नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों आज हम आपको बताएंगे फ्राटा फैन 5 ब्लेड वाला या 4 ब्लेड वाला जो कि 1440 आरपीएम में होता है, उसका वाइंडिंग डायग्राम, वाइंडिंग डाटा, कनेक्शन। तो ये 24 स्लॉट की मोटर होती है और 1440 आरपीएम में है। स्टेटर साइज इसका 1 इंच है। तो पहले इसका वाइंडिंग डायग्राम बता देता हूं, फिर इसका डेटा बता देता हूं, ठीक है दोस्तों। तो इसके जो स्लॉट्स हैं सारे के सारे 24 हैं और मैंने एक डायग्राम यहां पे बना रखा है स्लॉट्स का। तो इसका वाइंडिंग देखिए, इसका पिच जो होता है रनिंग का 1-4 होता है, 1-6 होता है और स्टार्टिंग 1-4 होता है, 1-6 होता है, ठीक है। तो सबसे पहले हम इसकी पिच बनाएंगे वाइंडिंग करने के लिए। तो पिच आप कहीं से भी नोट कर सकते हो, जहां से मोटर मान लीजिए सीधी ऐसे रखी है, तो यहां से हम बना रहे हैं 1, 2, 3, 4, ठीक है। या फिर ऐसे बना सकते हो, यहां से बनाना चाहते हो तो 1, 2, 3, 4, अगर यहां से बनाना चाहते हो तो ऐसे बना सकते हो 1, 2, 3, 4, ठीक है। तो 1-4, 1-6 इसकी पिच होती है और इसके अंदर क्वाइल जो होती हैं 4-4 होती हैं रनिंग में स्टार्टिंग में। तो हम यहां से बना रहे हैं जहां पे मैंने पहले लिखा था 1, 2, 3, 4। तो ये 1-4 पिच हो गया इसका, ठीक है। इसके ऊपर 1-6 पिच भी बना लेते हैं, 1-6, 1-6, ठीक है। अब यहां पे हम इसका जब वाइंडिंग करेंगे तो इनर पॉइंट जो होगा क्वाइल का, पहली जो क्वाइल होगी, एक क्वाइल को 3 बार मोड़ के डाला जाएगा, 1-4 में 1 बार, 1-6 में 2 बार। तो जो पहली क्वाइल है रनिंग की, उसका इनर तार हम उल्टे हाथ की तरफ रखेंगे और 1-4 में हम इस तरह से क्वाइल को इंस्टॉल करेंगे 1 बार, फिर 1-6 के अंदर हम क्वाइल को 2 बार इंस्टॉल करेंगे। और यहां पर हमको फिर आउटर तार यहां पे मिल जाएगा। उसके बाद फिर हम आगे बढ़ेंगे सेम तरीके से, फिर से हम पिच बनाएंगे 6, 4, 2, 1, 1, 1-4, 1-6। अब इसके अंदर भी हम इसी तरह से क्वाइल को इंस्टॉल करेंगे, इनर तार उल्टे हाथ की तरफ, पहले 1-4 में क्वाइल जाएगी 1 बार, ठीक है, फिर 1-6 में 2 बार। और यहां पे आउटर पॉइंट हमको मिल जाएगा। उसके बाद फिर हम आगे बढ़ेंगे सेम तरीके से, फिर पिच बनाएंगे 6, 4, 2 खाली छोड़ेंगे, 1, 1, 1-4, 1-6। दो स्लॉट बीच में छोड़ के खाली, 1-4 में 1 बार, ठीक है, उसके बाद 1-6 में 2 बार क्वाइल इन डाली जाएंगी और आउटर तार हमको मिलेगा। उसके बाद फिर से वही पिच बनाएंगे 1-4, 1-6, 2 बीच में छोड़कर, और इनर तार लेफ्ट हैंड की तरफ, ठीक है, 1-4 से गुजरेगी पहली क्वाइल जो है, और 1-6 में फिर 2 बार। यहां पे एक ही क्वाइल है जिसको 1-4 में 1 बार और 1-6 में 2 बार मोड़ कर डाला जाता है। ये कितने इंच की होती है, क्या गेज है, वो सब मैं बाद में बताऊंगा, पहले वाइंडिंग डायग्राम देख लीजिए। तो दोस्तों इस तरह से 4 क्वाइलें इंस्टॉल हो जाती है जो कि रनिंग की है। अब इसके कनेक्शन देख लीजिए, जो हमने पहली क्वाइल डाली उसका आउटर तार छोड़ दीजिए, इनर तार पकड़िए, पहले का इनर दूसरे के इनर से जोड़ दीजिए, ठीक है। अब दूसरी का आउटर तार बचता है, दूसरी का आउटर तीसरे के आउटर से जोड़ दीजिए,
अब तीसरे का इनर बचता है, तीसरे का इनर चौथे के इनर से जोड़ दीजिए। अब चौथे का आउटर बचता है, इस आउटर कहीं नहीं जोड़ना है, बाहर निकलेंगे पहले का आउटर और चौथे का आउटर। तो ये रनिंग के कनेक्शन हो गए और डायग्राम हो गए। अब साथ में स्टार्टिंग के भी सेम तरीके से इसके ऊपर कॉइल डलेगी। तो स्टार्टिंग के लिए मैं कलर चेंज करूंगा, तो स्टार्टिंग डालने के लिए हम पहले मोटर ऐसे रखा था हमारा, अब उसको थोड़ा सा ऐसे कर लेते हैं। हमको नोट करना है रनिंग का जो पहला वाला कॉइल है और दूसरा वाला कॉइल है उसमें डबल डबल जो कॉइलें डली हैं उनको नोट करना है। तो डबल कॉइलें यहाँ पे डली है इस वाले स्लॉट में और इस वाले स्लॉट में, बाकी में खाली है। तो इस इन दो स्लॉटों को छोड़ के, इन दो स्लॉटों को छोड़ के इनके ऊपर जस्ट एक लेफ्ट एक राइट आपको पिच बनानी है 1 से 4, ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। और 1 से 4 में आपको उसी तरह से कॉइल डालनी है स्टार्टिंग की एक बार, और जस्ट इसके ऊपर बनेगी फिर 1 से 6, 6 में आपको 2 बार डालनी है। और यहाँ पे आउटर तार ये स्टार्टिंग का निकल जाएगा पहली कॉइल का। तो पहली कॉइल इस तरह से इंस्टॉल करनी है। आपको ये चीजें नोट करनी है जो भरी हुई दो स्लॉट है जिसमें डबल डबल डाला गया है, ठीक है, उसको नोट करके उनको दोनों को छोड़ के 1 से 4 बनाना है, फिर 1 से 6 बनाना है, ठीक। उसके बाद आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते ही फिर वही काम करना है, ये वाली जिसमें डबल डबल डाली गई थी रनिंग की, इन दो को छोड़ के 1 से 4 बना लेना है, 1 से 6 बना लेना है। और इनर तार लेफ्ट हैंड की तरफ, ठीक है, ये दो छोड़ने हैं, ये चीज ध्यान रखिए। 1 से 4 में एक बार, 6 में 2 बार, और आउटर तार आपको मिल जाएगी यहां पे। उसके बाद फिर से आगे बढ़ना है, फिर वही चीज देखनी है, दो भरी हुई स्लॉट्स जिसमें डबल डबल डाला गया उनको छोड़ के इसके जस्ट ऊपर की तरफ 1 से 4 बना लीजिए लेफ्ट राइट, और इनर तार उल्टे हाथ की तरफ रखना है और लेफ्ट से राइट की तरफ घुमाव रहना चाहिए, ठीक है। तो ये दो छोड़ने हैं, ये 1 से 4 में डाल लें, ये दो छोड़ के, ये चीज आप ध्यान रखिए। उसके बाद 1 से 6, ठीक है, 1 से 4 में हमने डाल दिया है, और इसके ऊपर का जो हिस्सा है वो 6 ये वाला बनेगा। तो इस स्लॉट से इसमें 2 बार कॉइल निकलेगी 1 से 6 में, और यहाँ पे आउटर तार आपको मिल जाता है। उसके बाद लास्ट की बची हुई कॉइल भी इसी तरह से डालनी है, ये दो भरे हुए डबल डबल जिसमें रनिंग के कॉइल है इसको छोड़ देना है, इसके लेफ्ट एंड राइट 1 से 4 बनाना है, और इनर तार को उल्टे हाथ की तरफ और कॉइल को 1 से 4 में डाल देना है, फिर 1 से 6 में डाल देना है, 1 से 6 में 2 बार, 1 से 4 में 1 बार कॉइल मोड़ के डाली जाती है। इस तरह से फिर इसके कॉइल डल जाएंगे स्टार्टिंग के। अब इसके कनेक्शन देख लीजिए, जैसा हमने रनिंग में किया था बिल्कुल वैसा ही करना है। पहली कॉइल हमने स्टार्टिंग की ये वाली डाली, तो इसके आउटर छोड़ दीजिए, इनर को पकड़िए, पहले के इनर दूसरे के इनर से जोड़ दीजिए, दूसरे का आउटर तीसरे का आउटर से जोड़ दीजिए, ठीक है, तीसरे का इनर चौथे के इनर से जोड़ दीजिए, और आउटर तार फिर नहीं जोड़ना है। तो 2 स्टार्टिंग के अंदर आउटर बच जाएंगे, 2 रनिंग के अंदर आउटर बच जाएंगे, टोटल 4 तार बचेंगे। अब इसका डेटा लिख लीजिए, इसका डेटा मैं एक अलग पेज पे बता देता हूं, ठीक है, एक अलग पेज पे मैं बताऊंगा, क्लियर पेज पे। तो पहले इसके कनेक्शन देखिए, कनेक्शन बहुत सिंपल है, 2 तार स्टार्टिंग के हमको मिले हैं, दो रनिंग के मिले हैं आर आर, ठीक है,
एस एस। एक रनिंग स्टार्टिंग का आपस में लीजिए, कॉमन बना दीजिए, ये कॉमन तार प्लस का बन चुका है आपका 220 वोल्ट का। और जो दो बचे हुए तार हैं उसमें आपको ऐसा करना है, आपका जो कैपेसिटर है, कैपेसिटर इसके अंदर 3.15 का लगेगा। कैपेसिटर के दो तारें होती हैं, एक तार रनिंग वाले बचे तार में जाने दें और जो दूसरी तार स्टार्टिंग वाले में बचे वाले में जाने दें। और आपको फिर रनिंग का जो पॉइंट जो कैपेसिटर से जुड़ा है उसको पकड़ लेना है और उसको एक दूसरा पॉइंट बना लेना है जिसका नाम है माइनस। तो आपको माइनस में प्लस में यहाँ पे 220 वोल्टेज देना है, आपका पंखा चलेगा। अगर चक्कर उल्टे हों तो आप क्या करना है, या तो स्टार्टिंग स्टार्टिंग के आपस में चेंज कर ले तारों को, या रनिंग रनिंग के तारों को चेंज कर ले। कनेक्शन जो 1 से 3 में है ये कनेक्शन 1 से 3 में है। अब इसका डेटा भी मैं आपको तुरंत बता देता हूँ दूसरे पेज में। दोस्तों इसका डाटा नोट कर लीजिए, मैं इस पेज में बना रहा हूँ जिसमें जगह बची नहीं है, तो यहाँ पे पीछे बना देता हूँ मैं, इसका लिख देता हूँ इसका डाटा, स्क्रीनशॉट ले लेना। तो देखिए सबसे पहले ये फ्राटा फैन 5 ब्लेड का है, 24 स्लॉट, 1440 आरपीएम में, ठीक है। नीचे दोबारा से लिख देता हूं, स्लोट 24 स्टार्टर साइज 1 इंच, SWG रनिंग में 30 नंबर, स्टार्टिंग में 32 नंबर, रन लिखिए, और रनिंग में 160, स्टार्टिंग में 160, फार्मा रहेगा रनिंग में 21 इंच, स्टार्टिंग में 21 इंच, पिच होगी रनिंग में 104, 106, एक बार 104 में, 2 बार कॉइल मोड की डलेगी 106 में, स्टार्टिंग के अंदर 104, 106, एक बार 2 बार, और कनेक्शन रहेंगे दोस्तों 1 से 3। और कैपेसिटर होगा 3.15 UF का, और ये जो डेटा मैंने बताया है वो
कॉपर है, कॉपर का डेटा है, तो इसको इसमें आप एल्यूमिनियम भी डाल सकते हैं सेम टू सेम, ठीक है। एल्यूमिनियम डालेंगे तो भी आपको सेम स्पीड मिलेगी, तो इसको आप स्क्रीनशॉट कर लीजिए, पहले आप डेटा को स्क्रीनशॉट कर लीजिए, उसके बाद जो डायग्राम मैंने बनाया है उसका स्क्रीनशॉट कर लीजिए। तो ये वाइंडिंग डायग्राम है, इसका स्क्रीनशॉट आप कर लीजिए। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही, वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करिए, दोस्तों में शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, आगे भी आपके लिए काफ़ी सारी वीडियोस हम लेके आएंगे डेटा पे, वाइंडिंग डायग्राम पे, कनेक्शन पे, और हमने जो इसकी प्रैक्टिकली वीडियो ऑलरेडी डाली रखी है। तो ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, फिर मिलते हैं किसी अन्य वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत।